लड़के को एक लड़के को मैं डांस करता हुआ देख रहा हूं so, मैं उसे डांस करता हुआ देख रहा हूं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो उसे डांस करते हुए देख रहा है मैं सोच रहा हूं यार इस लड़के को कोई काम नहीं है ये डांस कर रहा है सम अदर विल थिंक वाओ दिस बॉय डांसेस सो वेल कोई तीसरा इंसान होगा जो सोचेगा कि ओह माय गॉड दिस बॉय हैज अ ग्रेट टैलेंट क्या टैलेंट है इस इंसान में इवेंट एक ही था कि एक लड़का डांस कर रहा है बट हम हर इंसान उसे अलग-अलग रूप में अलग-अलग वे से हमने उसे परसीव किया सो so गाइस ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है घटती है यू नो देयर आर मेनी इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन आवर लाइफ हाउ वी टेक दैट दैट डिसाइड्स एवरीथिंग जी हाँ दोस्तों आज आप अपने लाइफ में कहीं पे भी हो प्लीज लिसन मी आज आप कहीं पे भी हो वो किस लिए हो क्योंकि आप आज की डेट में जहां पे हो आपने कुछ ऐसे डिसीजन्स लिए हो अपने लाइफ में जो डिसीजन ने आपको यहाँ पे रखा है किसी ने आपसे अच्छा डिसीजन लिया शायद तो वो आज एक बहुत ही यू you नो know, एक हाई लेवल में शायद बैठा हो किसी ने आपसे भी खराब डिसीजन लिया होगा तो शायद वो एक काफी यू you नो know, एक लो लेवल में जाके गया हो सो so गाइस आपकी डिसीजंस आपकी लाइफ डिसाइड करती है आप जो डिसीजन लोगे आपकी लाइफ वैसे ही बनेगी लेकिन ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये डिसीजन कहां से आता है ये डिसीजन आता है आपकी अवेयरनेस से आपकी नॉलेज से आपकी माइंडसेट से तो अगर ये माइंडसेट सही नहीं है तो आप अच्छे डिसीजन कैसे लोगे अपने लाइफ में थिंक ऑन एट अगर ये दिमाग सही नहीं है तो आप एक सही डिसीजन कैसे लोगे और यहीं पे एनएलपी आता है एनएलपी हेल्प यू टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन जी हाँ दोस्तों एनएलपी हेल्प करता है आपको कोई भी इवेंट को डिजायर्ड वे से परसीव करना डिजायर्ड वे से मतलब कोई भी इवेंट अगर घटता है तो उससे मैं कैसे परसीव करूं अपने लाइफ में ताकि वो मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाए आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मतलब ये है कि यहां पे जो इवेंट है वो कैसा भी हो सही हो गलत हो अच्छा हो बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूरो प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करता है कि हम उस इवेंट को वो कोई भी इवेंट हो अच्छा बुरा सही गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसे कैसे ले रहे हैं ये डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो या किसी के लाइफ में एक फेलियर हुई हो तो अच्छा है इवेंट कि खराब है इवेंट आप सोचिए बताओ आप बोलोगे खराब है ब्रेकअप है यार बहुत बहुत यू नो इट्स वन ऑफ द बैड थिंग इट डिपेंड्स कि आप उस इवेंट को कैसे अपने दिमाग में कोडिंग कर रहे हो आप उसे अपने दिमाग में अटकर एक ऐसे वैसे कोडिंग कर रहे हो जिससे आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि जो भी हुआ वो होना था हो सकता है वो मेरे हम मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ लेकिन ओके फाइन okay, कभी कभी ऐसा होता भी है So I take it very positively, शायद इससे कुछ अच्छा ही होगा मेरे लाइफ में तो मैंने इस इवेंट को किया अपने दिमाग में राइट इससे क्या हुआ बेटर रिजल्ट आए इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बेटर रिजल्ट डिपेंड करती है आपकी डिसीजन से राइट क्या सही है क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे उस चीज को ले रहे हो डैट मैटर्स सो यस माय डियर फ्रेंड ये ये जो एक मैं जो भी बोल रहा हूं आपको हमारे यू नो सेट को लेके माइंडसेट को लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम एक एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे डिमांडिंग है आज के दिन में न्यूरोस्टिक प्रोग्रामिंग आपको पता है एक ट्रेनर न्यूरोस्टिक के लिए इट चार्जेस मोर देन थर्टी फोर्टी थाउजेंड अगर आप मुझसे पूछे आई एम एन एल पी प्रैक्टिश ना सो so, अगर यू you नो know, मैं जब एन एल पी प्रैक्टिशनर की यू नो कोर्स करने गया आई वेंट टू पुणे और मैंने किया रिचर्ड बैंडलर इंस्टीट्यूशन से मतलब रिचर्ड बैंडलर मीनस यू नो जो जो एन एल पी के करता धरता है रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर हमेशा दिमाग में रखिएगा ये दो नाम रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर दे देवे देंबर्स ऑफ एन एल पी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही एन एल पी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था सोसाइटी फॉर एन एल पी ट्रेनिंग सो आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम दैट सोसाइटी ओके सो अपने बारे में बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ कोच सो आई ऑल्सो डू लॉर्ड ऑफ काउंसलिंग लाइफ काउंसलिंग करियर काउंसलिंग और मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे एनएलपी नहीं पता होती तो शायद जो भी मैं आज के डेट में कर रहा हूं ट्रेनिंग लोगों की काउंसलिंग अपनी यू you नो know, मैं खुद को इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक रखना पॉजिटिव रखना इसमें एनएलपी का बहुत बड़ा हाथ है आई नो माई डियर फ्रेंड कि आप लोग पॉजिटिव हो ये जी हां आप पॉजिटिव हो लेकिन बहुत समय ऐसे सरकमस्टांसेस आती है ना कि आप पॉजिटिव होते हुए भी अपने उस, उसे, रि, रि, रिनो सस्टेन नहीं कर पाते आंख से आंसू आ ही जाते हैं दिमाग खराब हो ही जाता है इंसान इरिटेटेड हो ही जाता है लेकिन अगर आप एनएलपी जानोगे तो आपकी लाइफ काफी इजी होगी एंड ऑसम awesome होगी जी हाँ दोस्तों ऑसम होगी सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस थर्टी डेज के प्रोग्राम में आज पहला दिन है और मैं एक चीज बता दू आपको एकदम जल्दी नहीं जाना है हर एक चीज बारीकी से सीखना है दोस्तों क्योंकि मैंने सीखा था सात दिन में बहुत सारी चीजें एक साथ माई गॉड माई माई माइंड है और मैं चाहता हूं कि अगले अगले आज आज पहला दिन है अगले तीस दिन तक मतलब अगले ट्वेंटी नाइन डेज तक आप मुझे एक दोस्त समझे क्योंकि एक दोस्त और दूसरे दोस्त में जो बात होती है ना तो उसमें प्रेशर नहीं होता है तो मैं यही बोलूंगा कि

And it is popularly known as NLP. So, guys, before we go ahead, we should must know, right? What is neuro? So, let What is neuro? It's a nervous system through which experience is received and processed through five senses. Friends, so our शरीर में फाइव सेंस ऑर्गन है राइट आईज, नोस यर्स वे? आईज, नोज टंग स्किन इयर्स फाइव और ये फाइव सेंस ऑर्गन से हम हर चीज को हर बाहरी चीज को चाहे वो कोई स्मेल हो या वो कोई विजुअल हो या वो कोई साउंड हो हम बाहर से वो चीज को अपने दिमाग में डालते हैं राइट सो so ये जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है ये हमें हेल्प करती है कि हमारे बाहर क्या चीज हो रहा है उससे पकड़ना और अपने दिमाग में बैठाना लेकिन जिस हिसाब से मैं उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसा रहा हूं और जिस हिसाब से दूसरे लोग उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में यू नो कोडिंग कर रहे हैं अगर मैं राइट वर्ड यहाँ पे लू तो कोडिंग करना वो अलग है कोई उसे हंसते हंसते कोडिंग कर रहा है कोई उसे रोते रोते कोडिंग कर रहा है सो दैट्स कॉल्ड की दैट यू नो दैट्स मीन्स दैट आवर परसेप्शन आर डिफरेंट इवेंट्स आर सेम एक इवेंट होता है सबके लिए वो सेम है बट हम उससे अलग अलग वे से देखते हैं चलिए हम लोग और आगे जाएंगे तो और इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी सो वॉट इज न्यूरो नर्वस सिस्टम थ्रू विच एक्सपीरियंस आउटर एक्सपीरियंस इज रिसीव एंड प्रोसेस्ड ये जो प्रोसेस करता है दिमाग में हाँ ये ठीक है ये गलत हुआ मेरे साथ ये गलत हुआ उसके साथ ये सही हुआ उसके साथ ये सही हुआ, साथ, ये सही हुआ मेरे साथ मुझे अच्छा लगा मुझे खराब लगा सो so, ये जो मैं अपने दिमाग को कोडिंग कर रहा हूं कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ ये सही हुआ ये गलत हुआ कोडिंग और जब हम उसे उस कोडिंग में समझ रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है उस कोडिंग के हिसाब से यू गेटिंग दिस? चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि हम जो सीख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं कहीं से भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस कोर्स की क्वालिटी के ऊपर सो सपोज जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ यू नो वे पर्सन आई बिकम वेरी एंग्री मैं घुस् मुझे काफी गुस्सा होता है उसको देख के ऐसा हो सकता है ना जी हाँ हो क्या रहा है वो एक ही इंसान है वो इंसान को देख के मुझे गुस्सा आ रहा है सो so, मैंने उस इंसान को देखा अपनी आईज से अपने फाइव सेंसरी ऑर्गन से मैंने उस इंसान को देखा और अपने दिमाग में उसके उससे रिलेटेड मैंने एक परसेप्शन अंदर में घुसाया कि आई फील एंग्री वेन एवर आई सी हिम वेन एवर आई लिसन हिम वेन एवर आई फील हिम आई फील एंग्री ये कोडिंग मैंने अपने दिमाग में कर ली तो अब क्या होगा जब भी मैं उसे देखूंगा या जब भी मैं उसे सोचूंगा क्योंकि हम जब सोचते हैं ना तब भी हम सोचते सोचते भी उस इंसान को देख सकते हैं फील कर सकते हैं एम आई राइट तो बात है कि वो इंसान का पिक्चर जो कभी भी मेरे दिमाग में बैठेगा जो कि पहले से ही कोडिंग किया हुआ है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन एंड आई फील वेरी एंग्री वेन आई वेन एवर आई सी दैट पर्सन अब क्या होगा जब भी मैं उस इंसान के बारे में सोचूंगा आई एल फील एंग्री आप सोचोगे कि अब वो इंसान उस एंगर का हकदार है उसको जब भी मैं देखता हूं एंग्री होता हूं और ये नॉर्मल है ऐसा नॉर्मल नहीं है हो सकता है उस इंसान को देख के कोई दूसरा इंसान पॉजिटिव कोडिंग कर रहा हो मतलब वो एक पॉजिटिवली उसे ले रहा हो कि जब भी उसे वो सोचता है उसे अच्छा लगता है ऐसा हो सकता है राइट एक ही इंसान आपके लिए बुरा और एक इंसान आप यू नो वो उसके लिए अच्छा ये सब डिपेंड करता है कि जब आप कोई बाहरी चीजों को देखते हो या सुनते हो तो आप अपने दिमाग को क्या कोडिंग कर रहे हो जैसा कि अभी आप मुझे देख रहे हो आप मुझे अभी सुन रहे हो क्या हो सकता है अभी या तो आप ये फील कर रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये एक कोडिंग आप अपने आप को दे रहे हो हो सकता है किसी और को अच्छा लग रहा हो सो इट इट इज नॉट अबाउट की रियली really में क्या है इट्स ऑल अबाउट आपको क्या लग रहा है अगर आप इस थर्टी डेज थर्टी वीडियो की एनएलपी इंडेप सेशन को लेके एक्साइटेड हो हो सकता है कि मेरे मेरा जो कोर्स है ये एक्साइटमेंट का है ही नहीं लेकिन आप एक्साइट हो रहे हो तो ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है थर्टी डेज का ये सच में उतना एक्साइटेड यू नो एक्साइटमेंट का हकदार है कि नहीं सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट हाउ यू टेक इट आप अपने दिमाग में हर सर्कमस्टांसिस में देखे हुए चीजों को सुने हुए चीजों को इंसानों को जब आप अपने दिमाग में लेते हो तो आप उसे कैसे कोडिंग करते हो नेगेटिव कोडिंग करोगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा आपके लाइफ में अगर आप इसे एक पॉजिटिव कोडिंग करोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा आप अगर इसे एक न्यूट्रल एक कोडिंग करोगे जैसे ठीक है जैसा सोचा था वैसे हुआ नहीं बट ठीक है होता है कभी कभी मैं एक न्यूट्रल कोडिंग कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक है जैसा सोचा था मैंने वैसा नहीं हुआ बट ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे हाथ में सब कुछ नहीं रहता है सो नीदर आई मेरे साथ अच्छा हुआ I'm telling जो भी हुआ इट्स ओके फाइन ऐसा होता है कभी कभी सो आई एम कोडिंग इन अ डिफरेंट वे सो आप जब चीजों को देखते हो कोई भी चीजों को आप कैसे कोडिंग करते है? हेल्प करूं आप कैसे कोडिंग करते हो इन वेरी शॉर्ट आपको अगर कोई चीज देख के खराब लगता है इसका मतलब है कि उस चीज की कोडिंग जब आपने पहली बार किया था वो नेगेटिव थी अगर कोई चीज को देख के या सुन के आप हमेशा अच्छा फील करते हो इसका मतलब है कि जब आपने उसे पहली बार देखा था सुना था फील किया था तब जो कोडिंग आपने अपने दिमाग में की थी वो पॉजिटिव था जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो हम जरूर एक रिव्यू सिस्टम में बैठेंगे जहां पे मैं एकदम फ्रंट टू फ्रंट आपके सामने आके आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगा तो अगर आपको ये सेशन के बाद रिव्यू सेशन चाहिए तो प्लीज जिस मेल से आपको ये वीडियो का लिंक मिला आप उस मेल में जाके डेफिनेटली रिप्लाई करें कि आई नीड रिव्यू एज सुन एज पॉसिबल रिव्यू सिस्टम जो है आपको टोटल चार रिव्यू सिस्टम मिलेंगे और टोटल एक घंटे की रिव्यू सिस्टम मिलेगी मतलब जो भी पहले चार फिनिश होता है या पहले एक घंटा फिनिश होता है ये आपके ऊपर है ठीक है तो एक एक रिव्यू सिस्टम को बचा के रखे अगर ज्यादा जरूरी ना हो उसे वेस्ट ना करें बिकॉज रिव्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रेनिंग को एक ऐसे वे से ले जाऊं कि आपको रिव्यू सिस्टम की जरूरत ही ना पड़े लेकिन ऐसा होता है कभी कभी सो आई एम फाइन दैट इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको रिव्यू चाहिए then please feedback या रिप्लाई करें मेल में आई नीड द रिव्यू सिस्टम फाइन और हाँ अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज फीडबैक भी आप दे सकते हो मेल के जरिए कि यस यू आर लाइकिंग इट और एल्स अगर आपको चाहिए कुछ चेंजेस होने से बेटर होते तो प्लीज राइट इट डाउन हम जरूर चेंज करेंगे ठीक है आप मेल पे रिप्लाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरो के बारे में और अभी हमने बात किया कि न्यूरो मतलब आपकी नर्वस सिस्टम आप जब दूसरे यू नो आपके शरीर से बाहर से जब चीजों को आप रिट्रीव करते हो तो आपको आप उसे कैसे कोडिंग करते हो अपने दिमाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़े फिर चलिए वट इज लिंग्विस्टिक चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम थ्रू विच न्यूरल रिप्रेजेंटेशन आर कोडेड ऑर्डर्ड एंड गिवन मीनिंग ये लैंग्वेज क्या है ये लैंग्वेज है जब आप बाहरी चीजों को देख रहे हो बाहरी चीजों मतलब जो भी आपके लाइफ में घट रहा है सर्कमस्टांसेस या कोई इंसान कुछ भी आप जब उसे अपने दिमाग में कोडिंग कर रहे हो कि ये सही है गलत है वॉट इज दिस यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर माइंड आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो लैंग्वेज के साथ या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट लैंग्वेज फील करके भी आप यू आर फीलिंग बैड अबाउट सम इवेंट तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपके माइंड पे जा रही है कि ये इंसान को ये जो सरकंसेंसेस है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सो so, जो कि मैंने कहा कि जब हम अपने दिमाग में कोडिंग करते हैं लैंग्वेज के जरिए नॉन वर्बल क्लूज के जरिए इसे ही लिंग्विस्टिक कहा जाता है जैसे अ चलिए एक राज मैं बताता हूँ मेरे लाइफ का जब भी मैं यू you नो know, ये पास्ट से रिलेटेड है प्रेजेंट में सिचुएशन डिफरेंट है पास्ट में मुझे ऐसे बहुत सारे राइड्स हैं यू नो राइड्स यू नो हम लोग मेले वगैरह में जाते थे छोटे जब छोटे थे एक बहुत बड़ा एक यू नो जाइंट व्हील्स बोलते हैं उसको जो ऊपर से लेके नीचे तक एक मेले में आपने देखा होगा कि वो होता ही है तो क्या होता है जब मैंने पहली बार उसे देखा था ना तो आई सॉ फ्रॉम माई आईस एंड आई फील ओ माई गॉड दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस सो मैंने कोडिंग क्या की ये बहुत डेंजरस है आई कोडेड इट दिस इज द कम्युनिकेशन मैंने फील किया ओ माई गॉड इट्स सो डेंजरस आई आई फेल्ट इट सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने अपने को बोला कि ओ माय गॉड नहीं 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 मैं इस राइट पे नहीं चढ़ूंगा भाई इट इज वेरी डेंजरस सो आर बेसिकली लिंग्विस्टिक मैं अपने दिमाग को जो कोडिंग कर रहा हूं ये इस लैंग्वेज से कोडिंग कर रहा हूं सो नेक्स्ट टाइम कभी भी जब मैं उस जॉइंट व्हील्स को देखता था मुझे डर लगता था क्योंकि दिमाग में कोडिंग ही किया गया है वैसे हो सकता है कोई दूसरा इंसान जब उस जाइंट व्हील को देखता हो तो वो कुछ और ही बोलता हो गॉड, सो चरस मजा आएगा तो सोचिए इवेंट एक है मैं डर गया मैं अपने दिमाग में एक नेगेटिव कोडिंग किया देखिए नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं लेकिन ये मुझे डरा रहा है डरा रहा है सो नेगेटिव इसीलिए मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ और वो इंसान को लग रहा है कि माई गॉड इचरस ये एडवेंचरस मतलब मोर हैपीनेस मतलब वो वो जो लैंग्वेज है जो अपने दिमाग को वो दे रहा है दैट इज अ पॉजिटिव लैंग्वेज सो गाइस दिस न्यूरो अबाउट व्हाट इज न्यूरो पढ़ा दूंगा यू you नो know, बहुत सारी चीजें हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी के दिमाग में जाके उसे चेंज कर सकते हो किसी अपने दिमाग में जाके कोई नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हो अभी टाइम है आई विल नॉट गो फास्ट बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू जो आप अभी इस थर्टी इस डेज के थर्टीज को देख रहे हो बहुत लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता एंड आई रियली वॉन्ट टू रीच एवरी वन मैं सबके दिमाग में पहुंचना चाहता हूँ सबको बताना चाहता हूँ कि न्यूरोस्टिक प्रोग्रामिंग कितना वंडरफुल प्रोग्राम है हर इंसान को एक ना एक बार इस प्रोग्राम को ऑप्ट करना ही चाहिए जब वो वो इस प्रोग्राम में काफी एक्सपर्ट हो जाए तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेप आप अपने आप को एक लाइफ कोच बना सकते हो आप लोगों की काउंसलिंग काउंसलिंग करा सकते हो आप लोगों के दिमाग में बैठ के उनके उनके, उनके अंदर में छुपा हुआ डर को निकाल सकते हो उसे और ज्यादा खुशी दे सकते हो क्या नहीं कर सकते आप लेकिन वो एक अलग लेवल है पहले ये लेवल हो जाए अच्छे से उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एक कोच बनना चाहते हो एक एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो सुभाष कार्तिक हमेशा आपके सर्विस के लिए तत्पर रहेगा सो न्यूरो नर्वस सिस्टम लिंग्विस्टिक मतलब द वे वी टेल आवर नर्वस सिस्टम कि ये सही है ये गलत है ये रॉन्ग है राइट है अच्छा है बुरा है दिस इज लिंग्विस्टिक एंड वॉट इज प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आवर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज आवर कम्युनिकेशन मतलब जब हम ये कोडिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में कोई चीज हमने देखा सुना या फील किया और जैसे ही मैंने उससे अपने दिमाग को बोलना स्टार्ट किया कि ये सही है गलत है अपने फीलिंग के जरिए फील कराना स्टार्ट किया अपने दिमाग को कि ये सही है गलत है अच्छा है बुरा है तभी मुझे लगा कि नो स्टॉप आई विल नॉट कोड एनीथिंग जो मुझे खराब फील करवाए सो so, मैं उस कोडिंग जो नेचुरल कोडिंग चल रहा है उसे स्टॉप कर दिया अब मैं उसको डेलीबेरेटली सोच रहा हूं क्या सोचने से मेरे दिमाग में अच्छा होगा हो सकता है कि इवेंट नेगेटिव हो हो सकता है कोई इवेंट मेरे हिसाब से नहीं हो लेकिन मैं अपने आप को बोल रहा हूं इट्स ओके सुभाष कभी कभी ऐसा होता है सो आई एम वट आई एम डूइंग नेचुरली क्या होता है नेचुरली मेरे दिमाग में नेगेटिव कोडिंग होता है लेकिन मैंने उसे डिलिबरेटली स्टॉप किया और मैं अभी अपने दिमाग में थोड़ा ऑर्गेनाइज करके सोच रहा हूँ ओके okay, जो हुआ मेरे साथ वो जैसा मैंने सोचा था वो हुआ नहीं इट्स फाइन कभी कभी ऐसा होता है सो इट्स ओके इट्स अ मोर चैलेंजिंग आई आई लव दैट सो अब मैं फिर से इसको ऑप्ट करूंगा। जो कम्युनिकेशन नेचुरली हो रहा था जैसे नेगेटिव इवेंट घटा कोई भी इवेंट घटा मैंने नेगेटिव लिया मैं नेगेटिव कोडिंग कर नहीं जा रहा था मैंने उसे स्टॉप किया और उसे रीप्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया उसे चेंज किया उस उस कोडिंग को नेगेटिव से एक न्यूट्रल फेज में लाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आवर कम्युनिकेशन सिस्टम आर यू गेटिंग दिस एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अफकोर्स आप जब अपने दिमाग की कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करोगे आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो एक अलग वे से ड करेगा अगर मैं अपने कोडिंग में डराऊंगा अपने नर्वस सिस्टम को माई गॉड इज सो डेंजरस सो क्या होगा हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगी नेगेटिवली डरेगी लेकिन मैंने जैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज किया अपनी कोडिंग को चेंज किया तो हमारी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो वो भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया इज बेसिकली so, अपने कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन हम अपने बाहरी चीजों के साथ जो भी हम बाहरी चीजें देखते हैं सर्कमस्टांसेस देखते हैं जब हम उसे अपने दिमाग में डालते हैं उसे ऑर्गेनाइज वे से डालते हैं कि यू you नो know, अच्छा हुआ यू you नो know, जो भी हुआ मेरे हिसाब से अगर नहीं भी हुआ तो दैट इज ऑल्सो अच्छा हुआ तो वॉट आई एम बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग माई कम्युनिकेशन सिस्टम तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमारा दिमाग का जो यू you नो know, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है ये क्यों करता है क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमारा दिमाग सही होगा और सही वे से रिस्पॉन्ड करेगा तभी हम अपने डिजायर्ड गोल में पहुंच सकते हैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं आई यू गेटिंग आइज सो इन शॉर्ट एनएलपी क्या है एन है जब हम हमारे लाइफ में कुछ भी घटता है तो हम उसे जब अपने दिमाग में डालते हैं अपने आंखों से लेके अपने मुंह से लेके या कानों से लेके स्किन से लेके जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में डालते हैं आई एंड वी गिव द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू आवर माइंड इससे क्या होता है हमारा माइंड भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है अल्टीमेटली वो इवेंट पॉजिटिव था कि नेगेटिव था ये पता नहीं लेकिन जो कि हमारे नर्वस सिस्टम अभी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है सो so हर पॉजिटिव पॉजिटिव इवेंट बनाता है और हर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नो एक पॉजिटिव सर्कमस्टांसिस को पैदा करता है इसका मतलब है कि रियलिटी की कोई अहमियत ही नहीं है जी हाँ दोस्तों रियल में क्या हुआ उसकी कोई अहमियत नहीं है अहमियत है आपने उस इवेंट को पॉजिटिवली लिया कि नेगेटिवली लिया ऑल अबाउट हाउ वी प्रोग्राम आवर माइंड अगर कोई इंसान दुखी है तो ये मत सोचना कि उसके लाइफ में बहुत दुख आए होंगे उसके लाइफ में जो भी इवेंट आया होगा हो सकता है उसके उसके हिसाब से नहीं आया होगा उसने जैसा सोचा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में ज्यादा दुख आए Rather, उसके लाइफ में उसने अपने दिमाग को ज्यादातर right मतलब होंगे लेकिन उसने अपने दिमाग में जो कोडिंग की है वो बहुत पॉजिटिवली किया है इसीलिए उसके लिए कोई कोई नो you know, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको कि उसके लाइफ में एग्जैक्टली exactly कौन से इवेंट आए हैं मेरे इनसे पूरा हंड्रेड परसेंट दे रहा हूं दोस्तों की ताकि यू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आप अपने दिमाग को कैसे इंफॉर्मेशन देते हो दैट्स ऑल अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सो गाइज वॉट इज एन एल पी एन एल पी इज एन एटीट्यूड एन एल पी इज ए मेथोडोलॉजी एनएलपी इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये तीन चीज है एटीट्यूड भी है मेथोडोलॉजी भी है और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी है एटीट्यूड किस लिए है? क्योंकि लर्निंग एनएलपी इज टू लुक एट द लाइफ एज अ रेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मतलब आप जब एन एल पी सीख रहे हो तो बेसिकली ये आपकी एटीट्यूड को चेंज कर रही है अब आपका दिमाग कुछ ऐसी चीजों को सोचने वाला है जो रेयर है जो उसने आज तक नहीं सोचा अब वो सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेगा क्या हो सकता है उसके बारे में सोचेगा क्या अच्छा होगा उसके बारे में सोचेगा एनएलपी इज एन एटीट्यूड अब वो बस अपने पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को सोचेगा इसीलिए बोला जाता है एनएलपी इज एन एटीट्यूड एन एल पी इज अथोडोलॉजी क्यों क्योंकि ऑल बिहेवियर है स्ट्रक्चर जो भी जनो, जैसे भी हम बिहेव करते हैं क्यों बिहेव करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग से हमारा बिहेवियर लिंक है हम खराब फील करेंगे तो हमारा बिहेवियर खराब होगा हम अच्छा फील करेंगे तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा राइट सो ऑल बिहेवियर हैज स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर कैन बी मॉडल्ड इसका मतलब है कि चाहे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट हमारे लाइफ में घटा हो अगर हम एक पॉजिटिव सिचुएशन को मॉडल करेंगे मॉडल करेंगे मतलब एक कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो मैं उसे एक पॉजिटिव सिचुएशन हिसाब से ही मान रहा हूं ओके आई एम मॉडलिंग दैट आई एम मॉडलिंग आई एम कॉपिंग मैं कॉपी कर रहा हूं एज अ कि वो इवेंट मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव इवेंट है उसके बारे में मैं और ज्यादा लर्न कर रहा हूं अपने दिमाग को मैं टीच कर रहा हूं कि नहीं भाई ये ये इवेंट तुम्हारे हिसाब से नहीं है इसका मतलब नहीं कि ये नेगेटिव है ये स्टिल पॉजिटिव है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आगे जो भी होगा अच्छे के लिए होगा सो वट आई एम डूइंग माई डियर फ्रेंड आई एम मॉडलिंग आई एम कॉपिंग द पॉजिटिव माइंड सेट आई एम मॉडलिंग अ पॉजिटिव माइंड सेट उसके बारे में मैं सोच रहा हूं और अपने दिमाग को टीच कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं अपने दिमाग को भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ अच्छे के लिए हुआ इससे क्या होगा एंड चेंज द माइंड सेट इसे कहते हैं रिप्रोग्रामिंग मतलब अपने दिमाग में एक इवेंट को जो इतने दिन इस इवेंट को मैं सोच के रो रहा था आज मैं उसे रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूं और आफ्टर आई रीप्रोग्राम अभी इस इवेंट के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ मुझे खराब नहीं लगता है जी हाँ दोस्तों एक एक मेरे क्लाइंट के बारे में बात करूंगा मैं एक एम्प्लॉई एक एक आई आईटीस आईबीएम में काम करता था राइट वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि सर मेरे जो बॉस है वो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे बहुत खराब लगता है इवेंट इतना मतलब वो बिल्कुल यू you नो know, एकदम सोचते नहीं है कि जो भी वो बोल रहे हैं वो मेरे दिमाग में क्या असर करेगा मेरा बॉस बस बोलते रहता है मेरे कॉन्फिडेंस को काफी हर्ट होता है सर कुछ कीजिए सर सो कैन बी मोर कॉन्फिडेंट हमने क्या किया वो क्यों आज कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है आपको लगेगा कि उसके बॉस ने उसे बहुत बुरा कहा नो दैट वॉज एन इवेंट दैट वॉज एन इवेंट उसने उस बॉस के कही कहे गए यू नो कहे गए वर्ड्स को बॉस के बिहेवियर को अपने दिमाग में एक नेगेटिव कोडिंग किया इसीलिए वो आज उसको लेके काफी खराब फील कर रहा है तो हमने क्या किया हमने एनएलपी उसमें यूज किया जब हम एनएलपी किए तो हमने पहले उसे बताया कि आपको चाहिए क्या आप यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट राइट तो मैंने बोला एक कॉन्फिडेंट इंसान को मॉडल करो कॉपी करो कॉन्फिडेंट थॉट को कॉपी करो फिर मैंने उसे समझाया समझाया कुछ भी नहीं बस मैं उसके दिमाग में गया और वो जो सोच रहा था अपने बॉस के बारे में, मैंने उसे रीप्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग किया और उसके बाद मैंने फिर से उसे पूछा अब फिर से सोचो तो अपने बॉस के बारे में वो क्या बोल रहा है और फील करो तो कि आपको खराब लग रहा है कि नहीं यू बिलीव इट माई गड माई फ्रेंड्स जब इस यू you नो know, इस एक्टिविटी के बाद जब मैंने उसे बोला कि आप सोचो अपने बॉस के बारे में जब वो अपने बॉस के बारे में सोच रहा था उसे हंसी आ रही थी तो वो बोला था सर ये आपने क्या कर दिया मैं जब भी सोच रहा अपने बॉस बॉस के बारे में कि वो मेरे मेरे मुझे मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं हंसी आ रही है आई एम नॉट फीलिंग दैट हर्ट आप भी सोचोगे ना कि मैंने उसे क्या बोला आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्या रिप्रोग्रामिंग किया रिप्रोग्रामिंग इसे क्या बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग उसने ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग किया था कोडिंग किया था मैंने उस कोडिंग को चेंज किया और मैंने उसे रीप्रोग्राम किया सो प्लीज एकदम पेशेंस पेशेंस रखें एग्जैक्टली मैंने क्या किया था ये पूरी जो एक्टिविटी है ये मैं आपको सिखाऊंगा अंत तक बने रहिएगा। टेलिंग यू आर टूडे यू नॉट नो एनी डॉक्टर आप एक डॉक्टर तो भाई बहुत बड़ी चीज है लेकिन आप एक डॉक्टर के बाद में आओगे लोगों को बात करके रिप्रोग्रामिंग करके ठीक कर सकते हो आप लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद को ठीक करना है राइट यस सो इट्स अ मेथोडोलॉजी मतलब मेथोडोलॉजी क्योंकि आप रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो किसी के दिमाग को खुद के दिमाग को तो सबसे पहले एनएलपी इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये इट इज वेरी इनोवेटिव बहुत एक नयापन है

उसके दिमाग में रीप्रोग्रामिंग करते हैं दिस इज समथिंग रियली इनोवेटिव, डोंट सो? डोटिंग सर इज वेरी 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 इनोवेटिव इट एनेबल्स प्रैक्टिशनर टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को एंड एंडसेप्शन इन वे दैट अलाउज देम टू अचीव रिजल्ट दैट वेर वंस अनकंसीवेबल मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे जब आप अप्लाई करोगे रिप्रोग्रामिंग करोगे और उस इंसान के स्टेट को एक ऐसे स्टेट में ले जाओगे ना जब वो इंसान को लगेगा कि कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है 24 घंटे अगर इंसान चाहे तो खुश हो सकता है 24 घंटे उसे कोई रीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा उससे के बारे में हम नहीं बोलेंगे हम आपके बारे में बात करेंगे आप 24 घंटा खुश रहोगे 24 घंटा एंथुजिया रहोगे 24 घंटा फिट रहोगे 24 घंटा आप अपने गोल के बारे में सोचोगे और अपने गोल के तरफ आगे बढ़ते रहोगे ये एनएलपी से अगर आपने अपने दिमाग में रीप्रोग्रामिंग किया तो आप कोई भी हो आप स्टूडेंट हो सैलरीड पर्सन हो बिजनेसमैन हो हाउसवाइफ हो रिटायर्ड पर्सन हो कोई भी हो यू विल अ न्यू लाइफ न्यू लाइफ क्यों क्योंकि आप अपने दिमाग की कोडिंग को एक नया कोडिंग दे रहे हो आपका दिमाग का कोडिंग चेंज होगा तो क्या आपका जीवन लाइफ चेंज नहीं होगा जरूर चेंज होगा क्योंकि आपके लाइफ में वही होता है जैसा आपके दिमाग में लिखा गया है किस्मत में नहीं दिमाग में लिखा गया इस बात इस चीज को अच्छे से सुनिए आपके लाइफ में बहुत लोग बोलते हैं लाइफ में सर वही होता है यू you नो know, बहुत लोग बोलते हैं सर लाइफ में वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं लाइफ में वही होता है जो दिमाग में लिखा गया है आई होप कि ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोली ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज एक ना एक दिन जरूर लाएगा हम एक अंतिम यू नो हमारा ये पार्ट वन है कि आपको ये पार्ट वन अच्छा लग रहा है सो so, काफी कुछ सीखने के लिए है इंसान के लाइफ में राइट वाई एन एल पी एन एल पी चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में वी कैन बिल्ड द स्टेट फास्ट हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में जो स्टेट है उस स्टेट को हासिल कर सके हम खुश होना चाहते हैं हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं अपने लाइफ में हम हमेशा फिट होना चाहते हैं एंथुजियास्टिक वो डिजायर स्टेट को हम अचीव कर पाए अपने लाइफ में एलिड द प्रेजेंट स्टेट जो भी हम चाहते हैं जो कि इन फ्यूचर होने वाला है उसे आज प्रेजेंट मोमेंट में फील करें आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मेरा जो ड्रीम है जो कि मैं चाहता हूं अपने लाइफ में खुश होना फिट होना अपने लाइफ में आगे बढ़ना सक्सेसफुल होना वो चीज जो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूं उसे आज के डेट में हम फील करें द प्रेजेंट स्टेट

कोडिंग एक नया रिप्रोग्रामिंग सिस्टम आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटरवीन कर रहा है घुस रहा है ताकि एक नया रिप्रोग्रामिंग हो सके इसी को कहते हैं इंटरवेंशन इंटरवेंशन दिस सो गाइस एनएलपी प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू चेंज द बिहेवियर बाय नॉट चेंजिंग द रियलिटी बट चेंजिंग the कंटेंट ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑफ reality. आप समझ ही गए होंगे बट मैं फिर से इसको समझाऊंगा कि एनएलपी आपके बिहेवियर को चेंज करता है कैसे रियलिटी को चेंज करके नहीं आपकी रियलिटी हम चेंज नहीं कर सकते आपके लाइफ में जो भी हो रहा है लेकिन उस रियलिटी के अंदर छुपा हुआ जो कंटेंट है जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बना के आपके दिमाग में रिप्रोग्रामिंग किया जा रहा है ताकि आपका बिहेवियर हमेशा से खुशनुमा हो हमेशा से आप एकदम एंथुजियास्टिक फील करें सक्सेस के तरफ आगे बढ़े रियलिटी चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंत में होता वही है जो दिमाग में लिखा हुआ है किस्मत में नहीं our behavior can be useful usefully represented through the visual auditory kinesthetic olfactory and gustatory kya dosto hamara jo behavior hai usko hum kaise represent karte hain dekh ke कुछ इंसान देख के, के चीजों को समझते हैं उन्हें visual बोला जाता है कुछ इंसान ऐसे हैं जो auditory हैं, auditory मतलब वो सुन के कोई चीज को अपने दिमाग में डालते हैं कुछ लोग हैं जो काइनेस्थेटिक हैं, जो लोग फील करके फिर अपने दिमाग में कोडिंग करते हैं कुछ लोग हैं जो ऑल्फैक्ट्री हैं। ऑलफैक्ट्री मीन्स स्मेल स्मेल करके वो समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है तो उसी हिसाब से अपने दिमाग को कोडिंग करते हैं कुछ लोग हैं जो गैस्ट्रेटरी हैं जो टेस्ट करके चीजों को कोडिंग करते हैं कि ये सही है ये गलत है सो so गाइज ये विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक ऑल फैक्ट्री एंड गैस्ट्रेटरी के बारे में हम और ज्यादा सीखेंगे यहाँ पे बस अभी तक के लिए ये जान ले कि हम जैसे भी बिहेव करते हैं ये बिहेवियर हमारे अंदर से आता जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है उसके हिसाब से और ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आता कैसे है विजुअली काइनेस्थेटिकली और ये चीजें जान ले इस बारे में हम इसके बाद भी बात करेंगे तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर लिखिएगा अगर आपको कोई डाउट क्लियरिंग सेशन आपको चाहिए तो बट आई रियली फील की Uh, जैसा आज हमने आपसे बात किया आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस दू गाइज एंड इंडिविजुअल नीड्स टू एफेक्ट आर एक इंसान को जो रिसोर्स चाहिए जो यू नो रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स से आप कोई रिजल्ट को क्रिएट कर सको रिसोर्स कोई सोर्स सो so आपके लाइफ में कुछ भी सोर्सेस चाहिए जो आपके लाइफ में चेंज ला सके वो बाहर में नहीं वो आपके अंदर ऑलरेडी है आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी अगर आपको चाहिए वो सब आपके दिमाग के अंदर है तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज को अपने दिमाग में डाले उससे अच्छे तरह से कोडिंग कर ले गलत कोडिंग हो जाएगा ना तो आपकी जो रिसोर्सेस है उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपके दिमाग में जो भी रिसोर्सेस हैं, उन्हें इक्वली पोटेंशियल बनाए पॉजिटिव कोडिंग करें ताकि नर्वस सिस्टम आपका पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करे हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि द मैप इज नॉट द टेरिटरी यहाँ पे मैप मतलब आपकी आपकी किस्मत या आपके दिमाग में आपकी जो लिमिटेशन हैं क्या आप कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते ये आपकी लाइफ की मैप है दिस मैप इज नॉट द टेरिटरी ये टेरिटरी नहीं है आप इस मैप को बढ़ा सकते हो आप जहां पे हो आप वहां से कहीं पे भी जा सकते हो दोस्तों एक बार चाहो तो सही कैसे चाहने से नहीं होगा चाहने के बाद अपने दिमाग में जाके वो रिप्रो, रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है मैन हैज अनलिमिटेड पावर विद इन सेल्फ टू गेट और एक्सपीरियंस एनी थिंग इन लाइफ ये लाइफ और ये यूनिवर्स बायस नहीं है ये चुनता नहीं है अपने सक्सेसफुल इंसान को कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है चाहे आप हो या कोई और बस आप अपने दिमाग को रिप्रोग्रामिंग कीजिए एक पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग कीजिए ताकि आपकी जो मैप है आपकी जो लिमिटेशन है वो एक्सपैंड हो सके राइट right? गाइस हमेशा एक चीज को दिमाग में रखिएगा एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ आर बींग कंट्रोल्ड और मैनेज बाई टू फोर्सेस सो आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो कुछ भी बनना चाहो आप बन सकते हो कैसे जब आप अपने दिमाग में छुपे हुए दो ऐसे फोर्सेस को कंट्रोल कर पाओ टू फोर्सेस दो ऐसे फोर्सेस को अगर आप कंट्रोल कर पाओ तो आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो कुछ भी कर सकते हो वो दो फोर्स कौन है इस बारे में हम डे टू में पढ़ेंगे टिल देन गुड बाय सुभाष साइनिंग ऑफ आई बिलीव डे एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा डे टू विल बी बेटर डे थ्री विल बी सुपर बेटर धीरे धीरे करके आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा एंड यू विल फील यू आर अ न्यू पर्सन इन लाइफ थैंक यू वेरी मच गाइज टेक केयर